प्रेज द लॉर्ड। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये हमें अवसर दे दिया है, ये मौका दिया है। इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबकी मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमें सही बात को समझने और समझाने में मदद करें, ताकि इस शिक्षा के द्वारा से अच्छे मसीह शिष्य तैयार किए जा सके, अच्छे मसीही शिष्य तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने यह अवसर हमें दिया है, और बार बार यदि वो आपको मुझे ऐसे अवसर दे रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों में पाए जाएं, उसकी बातें हम तक पहुंचाई जा सके। हमारा आज का थीम है अनंत प्रेम का प्रमाण। प्रेम का प्रमाण, या फिर इसे कहिए कि फीट वॉशिंग, पैर धोना। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13, योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर के 15 आयत तक। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 1 to 15। यीशु का चेलों के पैर धोना, फीट वॉशिंग, हमारा थीम है ये अनंत प्रेम का प्रमाण, या फिर ये कहिए कि फीट वॉशिंग, पैर धोना। पैर धुलवाने वाला व्यक्ति महान समझा जाता है, धोने वाला व्यक्ति दास, सेवक, और प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही करके दिखाया है। जो पैर धो रहा था, इतना महान होने के बावजूद भी उसने पांव धोए। मेरा अपना पर्सनली ये मानना है कि ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह हमें कोई रस्म, कोई रिवाज नहीं दे गए, उन्होंने एक उदाहरण दिया है हमारे सामने, ये एग्जाम्पल है। मेरे साथ निकालिए आप योहन्ना 13:1-15 तक, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। एवर लास्टिंग प्रेम, कभी ना कम होने वाला, कभी ना फ्लैक्चुएट होने वाला। ये चीज प्रभु यीशु मसीह की मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाली आयत, कि जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने चेलों से करते थे अपने पृथ्वी पर के दिनों में, वैसा ही प्रेम वो अपने आखिरी क्षण तक, अपने जीवन के आखिरी पल तक भी करते रहे। कोई फ्लैक्चुएशन नहीं आया, कोई इरिटेशन नहीं था क्राइस्ट में, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई बुड़बुड़ाहट नहीं, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं। धोखा खाया, तकलीफ उठाई, नुकसान उठाया, तो भी कोई रिएक्शन यीशु मसीह का नहीं था। इसीलिए ये वाली बात अच्छी है। केवल ये बात मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह के ही लिए सही हो सकती है बस, कि जैसा प्रेम वो अपने लोगों से करता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती में के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। एक दास का, एक सेवक का रूप यही होता है। जब वह शिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा कि मैंने क्या किया है। पतरस के पास तो एक बहुत ही ज्यादा, बहुत क्लोज एक्सपीरियंस था इस बात का, लाइफ में आएगा उसके बाद। पतरस ने उससे कहा,
तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। पतरस को ऐसा लग रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह इतने महान उसके गुरु हैं, वो पांव धोएंगे पतरस के, इसलिए पतरस ने इस भावना से ये वाली बात कही थी, आदर की भावना से। पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा कि पतरस यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह की तमाम उपलब्धियों में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ये वाली बात जान करके तीसरे पद में लिखा है ऐसा। प्रभु यीशु मसीह के तीसरे पद में, योहन्ना के 13 अध्याय के 3 पद में लिखा, यीशु मसीह ने ये बात जान करके स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यीशु मसीह के अधिकारात में यीशु मसीह के बगैर कोई शामिल नहीं हो सकता, तब तक जब तक यीशु मसीह किसी को धो ना दे। धो ना दे मतलब इसका मतलब वॉश ना कर दे, साफ सुथरा और शुद्ध ना कर दे। ये कह रहे थे यीशु मसीह के, इसलिए तेरा मुझ में कोई साझा नहीं हो पाएगा अगर मैं तुझे वॉश ना करूं, प्योरीफाई ना करूं, तुझे सैंक्टिफाई ना करूं, तो मेरे स्वर्गीय और पृथ्वी की अथॉरिटीज में, अधिकारों में से पतरस तेरा कोई साझा नहीं होगा फिर उसमें। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बपोती में, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य के अनुग्रह और अभिषेक की संपत्ति में शामिल होना चाहता है, तो उस व्यक्ति का, उस स्त्री पुरुष का निहायत जरूरी है कि वो यीशु मसीह के द्वारा से शुद्ध किया जाए, और किसी के नहीं। ये वजह थी। 9 वर्ष 9 आयत, शिमोन पतरस ने उससे कहा हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं पर हाथ और सिर भी धो दे। कि अगर ऐसी बात है तो कह रहा प्रभु फिर तो पैर ही पैर हो, सिर भी धो दे, मतलब कि मुझे नहलाई दे, फिर तो पूरा स्नान करा दे मुझे। यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। नहाने का मतलब यहां पे था बैप्टिज्म से, बपतिस्मा से था नहाने का अर्थ, धो दिया जाना, शुद्ध कर दिया जाना, बैप्टिज्म का अर्थ यही है। कुछ विद्वान लोग बैप्टिज्म शब्द ना बोल करके ज्ञान स्नान कहते हैं इसे, बैप्टिज्म के टाइम पे ज्ञान स्नान, ज्ञान का स्नान करा देना। ज्ञान क्या है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर का सबसे बड़ा ज्ञान है। बस जो यीशु मसीह को नहीं जानता फिर वो किसी प्रकार का ज्ञानी हो, कुछ ज्ञान नहीं जानता, हमारे ज्ञान से परे है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। जो नहा चुका वो शुद्ध है, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है पांव धोने की। और यीशु ने कहा कि और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। ये वाली बात उसने यहूदा इस्करियोती के लिए कही कि सबके सब शुद्ध नहीं है। 11 आयत, वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। जब वह उनके पांव धो चुका और उसने अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? कुछ बात समझ में आई तुम्हारे? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे वाले करने के बाद, एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने के बाद बैठ करके आराम से बात करना, हमारी तरह नहीं, पहले बैठ के बात करेंगे, एक्सरसाइज पता नहीं कभी करेंगे कि नहीं करेंगे। सर्वेंट हुड यह है प्रभु यीशु मसीह का सेवकपन। 13 आयत, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। ये एक ऐसी बात नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, तुम इस एग्जाम्पल के अनुसार करना। प्रभु यीशु मसीह ने एक रस्म बनाकर के कलीसिया को बिल्कुल नहीं दी थी ये वाली। मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोगों के ऊपर ये बात थोपना नहीं चाहता हूं, मैं इस बात को बस केवल शेयर कर रहा हूं कि मैं जो जितना जानता हूं ये जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य यहां पर यह नहीं था कि वो एक रस्म बना करके दे देते और फीट वॉशिंग एक नई चीज कलीसिया में आ जाती। लोग फीट वॉश तो करते रहते लेकिन दिल से अगर किसी को क्षमा करके, किसी को माफ करके उसको वापस ना अपनाएं,
तो इस फीट वॉशिंग का क्या मायने रह जाता है? कोई मायने नहीं है इसका। यीशु मसीह पतरस को समझा रहे थे कि जो नहा चुका है, नहाने का मतलब है कि एक बार किसी व्यक्ति का बैप्टिज्म हो जाना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के मुताबिक जब किसी का बैप्टिज्म हो जाता है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम में धो दिया जाता है, यीशु के लहू से धो दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि वो जीवन में कभी दोबारा कोई पाप नहीं करेगा, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी चीज की लाइफ में जरूर एंटर करेगी जब तक वो जिएगा, भरसक प्रयास करने के बावजूद भी, एड़ी चोटी का जोर लगा देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में, मिजाज में, स्वभाव में, कहीं ना कहीं शब्दों में, व्यवहारिकता में चूक जाता है इंसान, चूक ही जाता है। मैंने बाइबल पढ़ी है, पुराना नियम भी और नया नियम भी, नए नियम के संतों को भी और पुराने नियम के संतों को भी मैंने चूकते देखा है, और मैं अपने बारे में भी जानता हूं कि मैं भी चूक जाता हूं। मेरे साथ जो लोग रहते हैं मैं उनको भी जानता हूं कि वो भी चूक जाते हैं, मैं जिनके साथ रहता हूं वो भी मेरे बारे में जानते हैं कि ये चूक जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि फिर दोबारा से बैप्टिज्म लेना पाप के बाद, हर पाप के बाद, हर पाप के बाद फिर बैप्टिज्म? मैं कुछ लोगों को जानता हूं मेरे आसपास के, यहां के, हमारे शहर के, दो दो तीन तीन बैप्टिज्म उन्होंने ले लिए, बाद में फिर जाकर के उनको उस बात का एहसास हुआ, पता लगा किसी व्यक्ति ने उनको बताया कि नहीं, हर बार पाप के बाद बैप्टिज्म नहीं होता, एक बार आपने ले लिया वो परफेक्ट है, एवरलास्टिंग। प्रभु यीशु मसीह का शुद्धिकरण, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रीकरण, प्रभु यीशु मसीह का सैंक्टिफिकेशन जो हमारी लाइफ में हुआ है वो कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है, बिल्कुल नहीं कम हो सकता, उसकी पावर कभी कम नहीं हो सकती। तो पतरस से जब यीशु मसीह ये वाली बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे पतरस को कि पैर में इसलिए धो रहा हूं, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जीवन में व्यक्ति एक जोड़ी शूज खरीदता है, दो महीने, चार महीने, छह महीने, सात महीने, आठ महीने चल जाता है वो जूता, वो शूज, एक पेयर शूज चल जाता है, एक साल दो साल भी चल जाता है, मेरे पास भी चल जाते हैं, लेकिन उस शूज को बार बार मैं क्या करता हूं कि पॉलिश करता रहता हूं, जब भी उसकी शाइनिंग खत्म होती है धूल मिट्टी की वजह से, डस्ट की वजह से या किसी प्रकार से, तो मैं उसके ऊपर फिर से पॉलिश करता हूं, फिर चमक जाता है। मैं ऐसा नहीं करता कि भाई जूते में धूल चढ़ गई, इस जूते को उतार तो कल दूसरा जूता लेके आएंगे बाजार से, मैं नहीं ऐसा नहीं करता, मैं सोचता हूं कोई भी नहीं करता। हम क्या करते हैं कि उसी शूज को शाइन करते रहते हैं, फीट वॉशिंग मैं सोचता हूं कि ऐसा ही है। जब हम इस दुनिया में रहते, जब हम इस संसार में रहते, जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे पांव पर धूल लगेगी, हमारे पांव पर धूल लगेगी, और फीट वॉशिंग करने वाला कोई व्यक्ति उस वक्त होना चाहिए, हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे मित्रों में कोई तो हो जो हमारी फीट वॉशिंग कर सके साहब। ऐसे नहीं कि हमें बैठा दिया जाए एक जगह पे, एक बर्तन में पानी ले आए, पांव धोकर के टावल से साफ कर दे, ये वाली फीट वॉशिंग नहीं। फीट वॉशिंग का मतलब यहां पर था कि जिसने पाप किए हैं उसके पाप क्षमा करके उसको अपनाया जाए, फिर से उसे अपने लाइफ में, अपने सर्कल में फिर से पुनः स्थापन दिया जाए। मरकुस की इंजील उसके 10 अध्याय के 45वें पद में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करवाने नहीं बल्कि सेवा टहल करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया है। यह है सर्विंग हार्ट ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में शिष्यों को के अंदर यह बात डालना चाहता, अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपनी बातें डालना चाहता था। हम जितने भी लोग हैं ना यहां पे जो बैठे हैं, बैठे मतलब आप लोगों को कह रहा हूं जो अपने अपने घरों में बैठे हैं या ऑनलाइन आप मुझे कहीं भी देख रहे हैं, यहां तो उनके चार ही लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें से किसी से कहा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन करना? किसी को बोला हो ड्रीम में आकर के कि ईस्टर सेलिब्रेशन कर लेना, चलो गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करना या फिर लैंड डेज को फॉलो करना?
किसी को नहीं बोली ये बात, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। ये वाली बात कह के गया है कि ऐसा ही करना, ये क्यों नहीं कर रहे हम लोग? क्यों अपने संगी साथियों के, अपने भाई बहनों के, मसीह शिष्यों के, जो हमारे साथ फेलोशिप करते हैं, हमारे साथ आराधना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ मिलकर के प्रभु की सेवा करते हैं, यदि वो कभी चूक जाए तो हम क्यों उनकी फिट वॉशिंग करके उनको वापस अपने बीच में नहीं ले आते हैं? मैं सोचता हूं कि यह है फिट वॉशिंग, रियल फिट वॉशिंग, जो क्राइस्ट ने पतरस को कही कि पतरस जो नहा चुका है उसे पांव धोने की जरूरत नहीं है, जो नहा लिया है उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आत्मिक बातें कर रहे हैं, आप शारीरिक और सांसारिक बातों में उलझ करके स्विम करने के या बात नहाने की बात मत करने सोचने लगना। मैं ये बताना चाहता हूं कि पतरस के पैर धोए और पतरस के साथ उसे सब चेलों के पैर धोए और कहा कि तुम सब शुद्ध हो, क्योंकि वो बैप्टाइज्ड थे, क्राइस्ट को फॉलो कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ये वाली बात दी कि पतरस तू इसके बाद समझेगा इस बात को। आपको पता है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था? आपको पता है कि उसने इनकार किया था? आपको पता है कि स्वर्गदूत ने उससे ये कहा था कि पतरस से कह देना कि यीशु जी उठा और गलील में मिलेगा? क्यों लिया उसने स्वर्गदूत ने पतरस का नाम? क्योंकि पतरस इस दुख में डूब गया था कि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया है, वो मर गया है, दफन हो गया है, अब मेरे पास उससे मिलकर के उसके चरण स्पर्श करके माफी मांगने का अवसर नहीं है। वो इस गंभीरता में डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, और उसके पास एक संदेश पहुंचाया गया है कि स्त्री के द्वारा, कि पतरस से कहना कि यीशु जिंदा है और गलील में उस पहाड़ पर मिलेगा। पतरस का नाम केवल इसीलिए लिया गया था, जो बात मेरी समझ में आई थी कि पतरस जी छोटा ना कर, यीशु अभी भी है तुझे वॉश कर देने के लिए, अभी भी है यीशु मसीह तुझे फिर से स्टैब्लिश करने के लिए, तुझे रिबिल्ड करने के, रिन्यू करने के लिए। यह बात थी पतरस के लिए। पतरस को यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन से पहले, मुर्ग के बांग देने से पहले कहा था कि पतरस मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और सुन पतरस मेरी बात कि जब तू वापस लौटेगा ना अपने ईमान में दोबारा से, अपने भाइयों को स्थिर करना। भाइयों को स्थिर करने का मतलब क्या था? यही स्थिर था, यही था अर्थ यीशु मसीह का, कि तू विश्वास में भाइयों को स्थिर करना, वो भले ही कितने गिर जाए, कितने ही डाउन चले जाए, लेकिन तू उनको फिर से खड़ा करना, फिर से खड़ा करना, भाइयों को खड़ा करना, उन्हें समझाना, उनकी फीट वॉशिंग करना और उनको फिर से विश्वास में स्थिर करना। यह है फीट वॉशिंग का अर्थ। अगर किसी भी कलीसिया में वर्ल्ड वाइड लेवल पर किसी भी चर्च में ये वाला काम हो रहा है, और इसके अलावा आप किसी भी उस स्त्री पुरुष को, अपने संगी साथी को, अपने साथ कोवर्शिपर को, कोवर्कर्स को, को बिलीवर्स को, यदि आप उसकी फिट वॉशिंग ऐसे नहीं कर रहे हैं कि उसके पापों पर पर्दा डाल करके, उसके पापों को मिटा करके, उसके गुनाहों को नजरअंदाज करके, उसे माफ करके फिर से वापस अपने जीवन में ग्रहण कर लेना, अपने में ले लेना। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं, उन्हें माफ तो कर दिया, रिलेशन बिल्डअप नहीं किए दोबारा से फिर उन लोगों के साथ, और कहते भी हैं लोग ऐसा कि माफ कर दो, जरूरी थोड़ा कि फिर से उसी संबंध में आना। क्राइस्ट के साथ आप और मैं माफी पाके वैसे उसी संबंध में आने का विचार कैसे रखते हैं? फिर हम कलीसिया के लोग, हम सीखने वाले और सिखाने वाले, अपने पाप की माफी मांग करके हम यीशु के साथ वापस फिर से उसी रैलम पे, उसी लेवल पे आने का विचार कैसे रख सकते हैं? यह थी वो वाली बात जो पतरस को यीशु मसीह ने करके दिखाई थी। मैंने पिछले दिनों कहा था प्रभु यीशु मसीह की दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि। प्रभु जानते थे कि चेलों के मन में क्या चल रहा है, प्रभु जानते थे कि चेलों को किस चीज की जरूरत है। आज कलीसिया को इन चीजों की वास्तव में जरूरत है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन डिसाइपल्स की जरूरत है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन चर्चिज की आवश्यकता है। फीट वॉशिंग का अर्थ यह है। मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं आपको, यदि आप रियल फीट वॉश करते हैं अच्छी बात है, और इसके साथ साथ अगर आप ये वाला भी काम कर ले तो और ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ये तो वही वाली बात हो जाएगी जैसे बादशाह सुलेमान ने कहा कि समय पे कही गई बात चांदी की टोकरी में रखे हुए सोने के सेबों के समान है। तो अगर आप मान लीजिए इसको एक कल्चर हमारी कलीसियाओं में, अगर कहीं पे हमारे चर्च में नहीं है ये वाला काम,
अगर किसी कलीसिया, मैंने देखा है, मैंने ऐसे चर्चेज अटेंड किए हैं, लोगों ने ऐसा किया है, मैं देखता रहता था लेकिन कभी शामिल नहीं हुआ। अगर लोग ऐसा करने के साथ साथ वैसा भी करने लगे जैसा मैं बता रहा हूं कि फीड वॉशिंग का अर्थ यह है, तो इसको कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा साहब, बेहतरीन डबल पोर्शन ऑफ क्वालिटी आ जाएगी बात की। पतरस को ये वाली बात कही थी। आठवीं आयत में ऐसा लिखा है, पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यीशु मसीह ने उसको बिल्कुल दो टूक कहा, यदि मैं तुझे ना धो तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा और बांटा नहीं है। बार बार अगर क्राइस्ट हमें नहीं धोता रहेगा तो हम क्या ले लेंगे क्राइस्ट में से, क्या लेंगे आप क्राइस्ट में से, अगर वो बार बार आपको हमें ना धोता रहे, बार बार अगर वो हमें वॉश ना करता रहे। बाइबल में लिखा है, दसवीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव धोने, पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। जब तक हम लोग इसे अपनी जिंदगी में मुसाफराने दौरान, उर्दू का शब्द है ये, अपनी सांसारिक यात्रा में जब तक हम हैं तब तक तो धूल मिट्टी तो लगे कि आप बच नहीं सकते। नया जन्म पाए हुए बिलीवर्स आप बच नहीं सकते। उस समय पे जब आपको किसी प्रकार से हमारे धूल में मिट्टी में कीचड़ में पांव आ जाते हैं तो उस समय पे प्रभु दया करें, ऐसे फीट वॉशिंग करने वालों को भेज सके जो हमारे पैरों को धुलाएं और हमें फिर से शामिल कराएं अपने साथ, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने साथ संगति में। तेरहवीं आयत में प्रभु यीशु के मसीह कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। अरे मैंने यदि गुरु होकर के, प्रभु होकर के तुम्हारे पांव धोए हैं, यदि मैं महापवित्र होने के बावजूद भी तुम्हें बार बार अपवित्रता से पवित्रता में ला सकता हूं, लाता रहता हूं, तो क्या तुम अपने भाई बहनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते? तुम अपने संगी दास दासियों के साथ, अपने संगी साथी विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते? प्रभु दया करे, फीट वॉशिंग का अर्थ यह है। तेरा अध्याय का 8-10 तक, पतरस ने उससे कहा तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा और बांटा नहीं है, कोई साझा नहीं है तेरा मुझ में। शिमोन पतरस ने उससे कहा हे प्रभु तो मेरे पांव ही ना, अगर तुझमें से कुछ लेना है तो फिर पैर ही पैर क्या, फिर तो मुझे पूरा ही धो दे। उसको समझ में आ गई थी बात कि यीशु मसीह से मुझे तब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक जब तक मैं शुद्ध ना हो जाऊं। हर बार के पाप के बाद हर बार माफी मांगना। मैं आपको यह कह करके गुमराह करना नहीं चाहता हूं कि अब से जीवन में आप कभी पाप नहीं करेंगे, और मैं ये भी कह के आपको उत्साहित करना नहीं चाहता हूं कि हमेशा पाप करते रहिए ताकि शुद्धता मिलती रहे। नहीं, मैंने ये दोनों बातें नहीं कही। यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, इसीलिए तुम्हें केवल पांव धोने की जरूरत है पतरस। बस मेरे साथ निकालिए पहला योहन्ना 1:7, फर्स्ट जॉन 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। इसका बी पार्ट जो हमारी शिक्षा से मेल खाता है, लिखा है कि और उसके पुत्र यानी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पतरस तो बहुत अच्छा बोलता है एक जगह पे कि हमारा चुनाव इसीलिए हुआ है कि बार बार लहू के छिड़के जाने के लिए, बार बार लहू को छिड़के जाने के लिए अपने ऊपर। नवी आयत में इसकी ऐसा लिखा है, 1 योहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और धर्मी है, विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु यीशु। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, हमारी फीट वॉशिंग हो जाएगी, यदि हम उन मिट्टी में धसे हुए पापों पैरों को, धूल से ग्रसित पैरों को छिपा के चलेंगे तो वो कभी धोए नहीं जाएंगे। अगर वो पांव नहीं धोए गए तो मान के चलिए कि फिर आपको और मुझे यीशु मसीह से कुछ नहीं मिल रहा है,
पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा पद, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं हम लोग। हमारा चुनाव इसीलिए हुआ है कि हम बार बार लहू को अपने पर छिड़कते रहें, बार बार यीशु का लहू अपने पर छिड़कते रहें, बार बार छिड़कते रहें। ये बात पतरस को समझाई जा रही थी, फेट वॉशिंग, अनंत प्रेम, कभी समाप्त नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जैसा प्रेम उसने आपसे मुझसे तब किया था जब हम अपनी पापी दशा में उससे मिले थे, हम वॉश कर दिए गए, साफ कर दिए गए, शुद्ध कर दिए गए। उसके बाद यदि बहक करके भटक करके हमने फिर से पाप किया और हम पछता करके फिर प्रभु यीशु मसीह के पास गए, तो उसने फिर से हमें शुद्ध किया, फिर से हमारे पांव धो दिए। क्योंकि जब तक हम यात्रा करेंगे, यात्रा में रहने वाले लोगों के जूतों पर अक्सर धूल रहती है, यात्राओं में रहने वाले लोगों के पैरों पर अक्सर धूल रहती है। आप कहीं मार्केट से बाजार से आएंगे जाएंगे, आप अपने घर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास गए हैं, शूज पॉलिश करके बढ़िया कपड़े पहन के, जैसे आप घर वापस लौटते हैं आप देख लेंगे अपने जूतों की हालत कि धूल चढ़ गई है, फिर क्या करते हैं, फेंक देते हैं जूता? नहीं, आप उसको फिर से साफ करते हैं, कपड़ा मारते हैं, ब्रश करते हैं, उसको जूता फिर साफ हो जाता है, शाइन करने लगता है, दोबारा पहनने के फिर काम आने लगता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ करता है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 13-15, प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है पांव धोने का, लीड करने का। क्राइस्ट के समान नमूना सबने देखा है, प्रभु यीशु मसीह के समान पावर एनकाउंटर मिनिस्ट्री करने का नमूना हम सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये वाला नमूना भी तो मैंने ही दिया है, पांव धोने वाला। यदि क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ किया करो। अगर मैं तुम्हारे पांव धोकर के तुम्हें वापस शामिल कर सकता हूं अपने साथ, तो तुम्हें भी अपने लोगों के पांव धोकर के उनको वापस अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए। मैं इस बात से ये सोचता हूं कि यदि मैं कभी जीवन में भटक जाता हूं, गिर जाता हूं, और मैं वापस जब अपने सेंस में अपने आपे में आता हूं उड़ाऊ पुत्र के समान, और मैं वापस लौट करके आता हूं, तो मैं क्राइस्ट के पास जब मैं आया हूं तो मैं ये चाहूंगा कि प्रभु आप मुझे माफ करके वापस उसी पावर अथॉरिटीज में ले लो आप मुझे। मैं अपने लिए तो ये चाह रहा हूं, लेकिन किसी और दूसरे बिलीवर को मैं अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने जीवन में वापस उस लेवल पे नहीं लाता हूं। कौन से क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग उस वक्त? ये केवल हम बात करते हैं क्राइस्ट की, हम क्राइस्ट को कभी दिखा नहीं पाते हैं। और आज शुरुआत के दिनों से ही देखिए, मैं सोचता हूं कि आज खास करके ज्यादा उन लोगों की जरूरत है जो प्रैक्टिकल क्रिश्चियन डिसाइपल्स हैं, व्यवहारिक मसीह शिष्य हैं, इन बातों को फॉलो करने वाले, मसीह को प्रूफ करने वाले, मसीह को रिप्रेजेंट करने वाले, मसीह को साइन करने वाले लोगों के बीच में। मत्ती 6 अध्याय 14 और 15 पद में क्या लिखा देखिए, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14-15, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये बातें आप जानते हैं, मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन फीट वॉशिंग के ऊपर जरूर नहीं हो सकती ये बात कुछ लोगों के लिए कि पांव धोने का सही में मायने क्या है। ये कलीसिया की एक रीत रिवाज रवायत ना बन जाए, कलीसिया को एक प्रैक्टिकल दिया गया था, एक पिक्चर दी गई थी कि इस पैटर्न पे चलते हुए तुम्हें काम करना है अपने लोगों के बीच में। 7 अध्याय का 2 पद, यही मती की किताब, क्या लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर मैं किसी व्यक्ति को माफ करके वापस नहीं रिसीव करता हूं अपने जीवन में, तो मैं ये सोचता हूं, मेरा अपना ये मानना है कि क्राइस्ट भी मुझे माफ करके वापस अपने उसी पावर अथॉरिटी में, अपने उसी किंगडम में, उसी लेवल पे तो रिसीव नहीं कर रहा। फिर
क्योंकि मैंने क्राइस्ट को सिखाई ये वाली बात कि आप मेरे साथ ऐसा करो जैसा मैं करके आया हूं। अगर क्राइस्ट ने हमारे साथ प्रैक्टिकल करके हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, तो हम भी उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में वो हमारे साथ वैसा ना करे जैसा हमने नहीं किया है किसी के साथ। 18:35 मत्ती की किताब, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35 लिखा है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु मसीह हैं। मत्ती 24:35 में इन्होंने ये कहा था कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी कही गई बातें बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। अगर हम में से मान लीजिए आज किसी एक व्यक्ति के जीवन में ये वाली बात घट जाए कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार नहीं किया और वैसे ही क्षमा नहीं किया, तो क्या बीतेगी हमारे ऊपर? इस लॉकडाउन के सीजन में, इस महामारी के दिनों में लोग ये कहना पसंद कर रहे हैं कि पापों से मन फिराओ, प्राश्चित करो, लौट आओ प्रभु के पास। ऑनलाइन में देख रहा हूं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेसबुक में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, अच्छे अच्छे सेवक और दूसरे बिलीवर्स भी बस इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि पश्चाताप करो और लौट आओ। हम बिलीवर्स को इस वाली बात को कौन समझाएगा कि हमें भी तो लौटने की आवश्यकता है? सही मायने में, सही प्लेटफॉर्म पर एक पापी को सही जगह लौटने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विश्वासी और डिसाइपल को भी सही ट्रैक पर लौटने की आवश्यकता है। ये वाले इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा जैसा आप करके आए। आपको कोई अलग कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला स्वर्ग से, क्योंकि ये वाली बात आपने परमेश्वर को प्रैक्टिकली करके दिखाई है कि अब आप मेरे साथ वैसा ही करना जैसा मैं करके आया। इफिशियंस की पत्री 4:32 पर मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आप लोगों को बता देना चाहता हूं बस। इफिशियंस चैप्टर 4:32 लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहन लिया और हमारे फीट वॉश किए उसने। एक मिनट के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश करें, प्रयास करें कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही वचन देहधारी हुआ। यहोवा ने एक बॉडी को, यीशु मसीह के शरीर को पहन लिया और आ गए इस जमीन पर आपके पांव धोने। एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। जैसे उसने मसीह में हमारे साथ किया वैसे ही हम भी कर दें, वैसे ही सेम एज इट इज, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए। उसके जैसा कुछ नहीं, उसके जैसा नहीं कि उसके जैसा कुछ और कर दिया, वैसा ही सेम टू सेम करना है, करने के लिए लिया है हमें। कुलुशियंस चैप्टर 3:13-14 और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो भी तो, चलिए हो सकता है आपके पास कोई वजह हो किसी से, आपके पास कोई वजह हो किसी की किसी बात के लिए, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। पौलुस ये वाली बातें सिखाता है कलीसिया को कि तुम आपस में अपना नुकसान क्यों नहीं सहते, मुकदमेबाजी कर देते हो आपस में भाइयों पर, एक दूसरे पर। मसीहों के भी मुकदमे चले जाते हैं अन्य जातियों के सामने, बिलीवर्स का फैसला नॉन बिलीवर्स करते हैं। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये एडवाइस नहीं है, सलाह नहीं है, कमांड है ये। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का, परफेक्शन का, आपके परिपक्वता का कटिबंध है, उसे बांध लो। आपका प्रेम किया जाना लोगों से इस बात को परफेक्ट प्रकट करेगा, यू आर द परफेक्ट डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। आपकी थ्योरी, आपकी टीचिंग प्रीचिंग, आपकी अन्य भाषाएं, आपके भाषाओं का अर्थ बताना, आपका दान वरदानों में चलना, आपका आत्मिक फलों में बढ़ना, इनमें नहीं,
जब तक आपने कटिबंध प्रेम का नहीं बांध लिया है। 13 अध्याय योहन्ना किताब पहले पद में ऐसा लिखा कि यीशु अपने लोगों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा प्रेम वो पहले करता था, एवर लास्टिंग लव। जब किया उसने, जब हम पापी नहीं थे उसने हमें धोखे, जब हम पापी थे तब हमसे पाप किया, तब उसने हमसे प्यार किया जब हम पापी थे, उसके बाद हमने फिर पाप किया, उसके प्यार में क्या कोई कमी आई? नहीं। अगर कोई पापी ये कहता है कि मैं प्रार्थना में प्रभु के पास गया, तो इसका मतलब है कि प्रेम कभी समाप्ति नहीं हुआ था यीशु मसीह का, क्योंकि पापी लोग उसकी उपस्थिति में पहुंच ही नहीं सकते हैं साहब। भजन संहिता 1 अध्याय बताता है ऐसा, आप ही की बाइबल जो आपके हाथ में रखी ये बता रही है ऐसा, ये बता रही है ऐसा। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं इसे। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 और 8 पद, अपराधी को क्षमा। कुरिन्थ नगर की कलीसिया को पौलुस ये शिक्षा दे रहा था। 7 और 8 पद में लिखा, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ऐसा ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए और कोई गलत कदम उठाए। आपका और मेरा काम लोगों को उदास करना नहीं है, उनको उस उदासीनता में से जिसमें पहले से पड़ा उसको बाहर निकालना है, ताकि उसके अंदर फिर से एक नई जान आ जाए, फिर से एक नई जान आ जाए। मैं अक्सर एक उदाहरण देता था पहले, आज फिर से मुझे याद आ गया, मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी कंपनी की ब्रांडेड कार आप शोरूम से खरीद कर लाएं, सड़क पे आप उसे चलाइए, बड़ा आसान है। लेकिन किसी ऐसी कार को जो डैमेज हो गई है, उसे फिर से रिपेयर करना, प्रिपेयर करना और सड़क पे चला देना, ये वाला काम ज्यादा आसान है या वो वाला काम ज्यादा आसान है? नई ब्रांडेड कार को तो कोई भी सड़क पे चला लेगा साहब। किसी भी बेहतरीन क्रिश्चियन की फेलोशिप अटेंड करना हर एक व्यक्ति चाहता है, किसी बढ़िया डिसाइपल के साथ रहना हर एक मसीह विश्वासी चाहता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं आप जो गिर गया हो आपकी दृष्टि में कि पाप में गिर गया, उसने पाप किया, उसने ऐसा किया, चलो हम उसको उठा करके वापस फेलोशिप में ले लेते हैं। रिपेयर करना, प्रीपेयर करना, फिर दौड़ा देना, ये तो क्राइस्ट ही कर सकता है, या फिर वो स्त्री पुरुष कर सकते जिनके अंदर क्राइस्ट रहता है। क्राइस्ट की बात करने वाले कभी नहीं कर सकते, क्राइस्ट की बात को समझने वाले कभी नहीं कर सकते, केवल वही कर सकते हैं जिनमें क्राइस्ट वॉक करता है, जिनमें अभी भी क्राइस्ट श्वास लेता है, वो लोग कर सकते हैं। बेहतरीन बातें हैं ये, बेहतरीन बातें हैं। 8 पद, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उनको अपने प्रेम का प्रमाण दो, प्रूफ करो आप उनसे प्रेम करते हैं, ठीक वैसे जैसे ये मसीह ने आपसे प्रेम किया। हमारे शिक्षा का थीम है अनंत प्रेम का प्रमाण, या फिर फेट वॉशिंग, पांव धो देना। आप बहुतों के पांव धो सकते हैं बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए, बिना इस समारोह को, बिना ये समारोह किए हुए, बिना कलीसिया में आए हुए, आप किसी के भी पांव धो करके उसको फिर से शामिल कर सकते हैं। लास्ट की बात 10 और 11 पद, इसी का, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। अगर मैंने किसी को क्षमा किया, पौलुस कह रहा है, तो मैंने मसीह के समान होकर के क्षमा किया है। बहुत बड़ी बात है। और क्षमा करने की वजह क्या है? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, कारण क्योंकि वो जानते हैं कि वरना शैतान मेरे पीछे लगा रहेगा। लिखा है कि शैतान को हम पर, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अक्षमाशीलता हमेशा हमारे जीवन में अवसर देगी शैतान को। अनफॉरगिवनेस में यदि हम लोग कंगाल हैं तो शैतान हमें ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, क्योंकि यह उसी का लक्षण, उसी का गुण है। क्षमाशीलता प्रभु यीशु मसीह का गुण है। जब आप क्षमाशीलता को अपनाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो लेंगे। फीट वॉशिंग, बहुत सारे चर्चिज में आज ये एक परंपरा है, होली कम्युनियन के समान होता है ये काम, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या कैसे भी होता है, होता है, मैंने देखा है। और कुछ परमेश्वर के लोग भी इसको करना पसंद करते हैं, और जिनसे मेरी बात हुई, मैंने अपनी बात वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि पांव धोने का अर्थ ये है,
फेट वोशिन, प्रेम का प्रमाण, इसकी बहुत सख्त जरूरत है उस व्यक्ति को जो निराशा में डूब रहा है, जो हताशा में अपने पाप की वजह से डूब रहा है, जिसका रिलेशन अभी तक आपके साथ फिर से वैसा नहीं हुआ है, उसके अंदर ये गिल्टी रहेगी कि हाँ मैंने ऐसा किया है और मैं इस लायक नहीं रहा कि इस व्यक्ति से मिलूं। जैसा कि उड़ाऊ पुत्र ने कहा था कि मैंने हे पिता तेरे खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं हमने ऐसा कर दिया अब हम आपके मित्र कहलाने के लायक ही नहीं है। कि नहीं, किसने कहा नहीं है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया आपके साथ? कोई बात नहीं, क्योंकि आप मसीह यीशु के पैदाइश हैं। अगर आप सचमुच यीशु मसीह की पैदाइश हैं तो यीशु मसीह जैसे ही होंगे। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तब बहुत फल फलता है। प्रभु यीशु मसीह की ना तो पत्नी थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन उनकी संतान बहुत सारी है आज भी आत्मिक रीति से। प्रभु यीशु मसीह के वंशज हैं हम, उनसे पैदा हुए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा से पैदा हुए हैं, हमने यीशु मसीह से जन्म लिया है। और हम कह सकते हैं कि वो बीज था पहला जो जमीन में गया, उसके बाद जब उगे जो बहुत सारे दाने थे, उन दानों में से हम भी हैं। तो गेहूं ही पैदा करेगा, क्राइस्ट तो क्राइस्ट ही पैदा करेगा, क्राइस्ट क्राइस्ट ही पैदा करेगा, क्योंकि हर प्रकार का बीज जैसा बोया जाता है वैसी फसल पैदा करता है। अगर क्राइस्ट वास्तव में एक सीड था, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24, अगर वो सचमुच एक बीज था तो फिर क्राइस्ट में से कौन पैदा होगा? क्राइस्ट ही पैदा होगा साहब। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आपसे विशेष मेरी विनती है पिता, आज की शिक्षा प्रभु हमारे दिलों और मनों में घर करने पाए, और हम इस फीट वॉशिंग के अर्थ को समझ सकें, और हम इस बात को जान सकें कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें क्या बताती है। मदद करें प्रभु, सुनने वालों को ब्लेस करें, और मुझे भी प्रभु जी ये सारी बातों को अपने जीवन में उतार कर चलने में अनुग्रह प्रदान करें। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।